सुना है जा रहे हो हमारा शहर छोड़कर, एक बात मानोगी मेरी जान, वापस ना आना मुंह मोड़कर। केरूठ अगर जो जाऊँ तुमसे, केरूठ अगर जो मैं जाऊँ तुमसे, पहले फुसला ना फिर मुझको मना ना तुम, और जो ना पिघलूँ मोम की तरह बाहों में तुम्हारी, तो एक ज़ोरदार चाटा मुझको लगाना तुम, कि कुछ इस कदर मुझको चाहना तुम, मेरी माँ को माँ कहना तुम। अब वो प्रपोज करते वक्त तो कुछ चीज़ें बता रहा है, चाहे दिन हो चाहे शाम हो। इसमें एक शब्द आएगा नौबहार और नसीम। नौबहार का मतलब वसंत होता है और नसीम का मतलब हवा। पता तो हो गई वैसे आप सबको, फिर भी मैंने बता दिया कि दिन चढ़े या सूरज ढले, आधी रात भले ना आना ख्वाबों में, कभी नौबहार कभी धूप तो कभी नसीम बन के शाम सवेरे मुझको मिलना तुम, कि कुछ इस कदर मुझको चाहना तुम, मेरी माँ को माँ कहना तुम। अब इसमें एक फिलोसफिकल मतलब फिलोसफी की तरफ है, और इसमें एक शब्द आएगा उफ्क। उफ्क का मतलब क्षितिज होता है। तो उस पर है कि किसी का ज़िंदगी में आना, कुछ सपने सजाना, कुछ पल बिताना, तो हर बार की दासता है कि मेरी इस हंसी दासता का, कि मेरी इस अधूरी दासता का हंसी फसाना तुम। और वो जो उफ्क के पीछे चांदनी आती है ना, कि वो जो उफ्क के पीछे चांदनी आती है ना, उसमें भी साए सा साथ रहना तुम, कि कुछ इस कदर मुझको चाहना तुम, मेरी माँ को माँ कहना तुम। अब जो है वो उसमें उसको बताना चाह रहा है कि तुम मेरे क्या बन जाओ। तो इसमें एक शब्द आएगा ज़ियारत, उसका मतलब तीर्थ यात्रा होता है। तो ये उस पर है कि इबादत में मेरी सूफियाना सा साज बनना तुम, और ज़ियारत मैं करूँ तुम्हारी एक ऐसा राज बनना तुम, कि इश्क होने लगा है मुझे भी तुमसे, कि इश्क होने लगा है मुझे भी तुमसे, बस कुछ ऐसा इश्क का इकरार करना तुम, कि कुछ इस कदर मुझको चाहना तुम, मेरी माँ को माँ कहना तुम। और ये इस नज़्म का आखिरी मकता मैं रखूँगा आप लोगों के आगे, कि यूँ तो कहना ज़रूरी नहीं, बस पलके झुकाना और आके गले मेरे लगना तुम, वो जो होठों तले छुपाई है ना मुस्कान तुमने, और वो जो होठों तले छुपाई है ना मुस्कान तुमने, साथ उसके तुम साथ उसके शर्माना तुम, के इजहार के लिए तुमको इजाज़त कैसी, के इजहार के लिए तुमको इजाज़त कैसी, लफ्ज़ों से ना सही नज़रों की शाख से अपनी मोहब्बत बयां करना तुम, कि कुछ इस कदर मुझको चाहना तुम, मेरी माँ को माँ कहना तुम। बहुत शुक्रिया। कभी संग तुम्हारे एक रात बिताएंगे, तुम्हें तुमको ज़िंदगी का हर एक किस्सा बताएंगे, ज़्यादा तो अभी कुछ कह नहीं सकते हम, एक रात बीते हर गम को बस तुमसे और बस तुमसे सजाएंगे। एक अभी लॉकडाउन हुआ था जब, तो महाभारत और रामायण टीवी पर आई थी, उसी मतलब उसके ही बेस पे मैंने एक लिखा था कि तुम त्रेता युग की एक ग्रंथ सी गीता प्रिय, मैं कलयुग का एक चुटकुला तक ना हुआ प्रिय, तुम मिथिला राज्य की राजकुमारी सीता प्रिय, मैं स्वयंवर में आमंत्रित तक ना हुआ प्रिय। और अभी काफ़ी बातें हुई उस पर खतों पर, कि पहले खतों वाली मोहब्बत होती थी अब नहीं होती, तो मैंने भी कुछ ऐसा ही लिखा था, मिली जो तुम हमें खुदा की बख्शी इनायत सी थी, तुम्हारी खुशी के खातिर जो हम लड़े ज़माने से, खुदा से की इबादत सी थी, कुछ जो साथ थी तन्हाइयाँ मेरी, तुमसे मिली विरासत सी थी, इस चैट और मैसेजेस के ज़माने में हमने जो तुमसे की वो खतों वाली मोहब्बत सी थी, वो खतों वाली मोहब्बत सी थी। और कुछ एक मतलब उसी टॉपिक पे जिस पे सब चल रहे थे, एक है उसको मोहब्बत करना पसंद है निभाना नहीं, उसको मोहब्बत करना पसंद है निभाना नहीं, बात करना पसंद है समझना नहीं, अरे उसको संजीदगी पसंद है, अरे उसको संजीदगी पसंद है सुलझना नहीं, इकरार करना पसंद है शर्माना नहीं, अरे उसको तो मैं पसंद हूँ मेरा परछावा नहीं, और उसको ज़िंदगी का बस एक किस्सा पसंद है कोई अफसाना नहीं। के सुना है जा रहे हो हमारा शहर छोड़कर, एक बात मानोगी मेरी जान, वापस ना आना मुँह मोड़ कर। कहते हो मन नहीं लगता यहाँ, कहते हो मन नहीं लगता यहाँ, क्यों फिर किसी को छोड़ा है क्या कोई रिश्ता जोड़कर।
और इसी शेर का आखिरी जो लाइन है वो कुछ ऐसे है कि अच्छा सुनो एक गुजारिश है, अब जा ही रहे हो तो एक गुजारिश कर लेता हूँ तुमसे कि अच्छा सुनो एक गुजारिश है, जाते जाते हमसे मिलना मत कोई नकाब ओढ़ कर। और वैसे एक लड़कियों के झुमके के ऊपर लिखा है एक छोटा सा है, टू लाइनर टाइप ही, गौर फरमाएगा कि उनको लगता है हमें है उनके जिस्म से प्यार, अरे ज़रा पलट के खंगालो तो अपने आईने का दराज, अकेला तड़पता मिलेगा तुम्हें अपनी जान खास से ज़्यादा एक झुमके का यार। और एक और मतलब है कुछ उसी पर जो पहले चल रहा था कि बातें अब थमने लगी हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ ज़्यादातर गमगीनी लिखता हूँ तो ये उसी पर है कि बातें अब थमने लगी हैं मेरी हाँ हूँ से तो उसकी मेरे उफ से, दम अब घुटने लगा है उसका सच से मेरा उसके झूठ से, जो कहती थी वो रहूँगी सदा साथ तुम्हारे पास तुम्हारे देखे अलग अलग किस्म के फूल से, केश्क क्यों फरमा बैठी है वो आज उस ढलती उफ्क से, कि एक सुकून है कि एक सुकून है अब जो दूरियां बढ़ने लगी हैं उसकी मुझसे मेरी खुद से, उसकी मुझसे मेरी खुद से। तो एक आखिरी शेर के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा, जानते तो हम भी हैं किसकी कैसी दीवानगी है, कि जानते तो हम भी हैं किसकी कैसी दीवानगी है, यूं ही नहीं आम से दोस्त की तुम्हारे लिए अजीज़ आवारगी है, और तुम कहती हो ना कि दोस्त है अच्छा दोस्त है, अरे बाबा सिर्फ दोस्त है, और तुम कहती हो ना कि अच्छा दोस्त है अरे बाबा सिर्फ दोस्त है, तुम ही जानो ये साजिश है या तुम्हारी नादानगी है, कि यूं तो लोग हमारी ज़िंदगी में भी है कई सो, कि यूं तो लोग हमारी ज़िंदगी में भी है कई सो, तुम क्या जानो तुम्हारे लिए ही तो सबसे नज़रअंदाजगी है, कि तुम क्या जानो तुम्हारे लिए ही तो सबसे नज़रअंदाजगी है। एक छोटा सा जाम के ऊपर बस ये आखिरी है, इसके बाद मैं ख़त्म करता हूँ मख्ता, और ये अब तो ये मैखाना हुआ जहाँ मेरा, शायद तुझको तेरे कुछ रिश्तों ने घेरा और मुझको तेरी मोहब्बत ने, कि देखना उन रिश्तों में ताकत कितनी है, मुझे ले जाके सातवें आसमान में तेरी पनाह में फेंका, मुझे ले जाके सातवें आसमान से तेरी पनाह में फेंका, कि अब तो फ़र्क बस दिल से उतरने और मुँह फेरने का है, कि बस अब तो फ़र्क दिल से उतरने और मुंह फेरने का है, अरे मैंने खुद को अपने ही दिल से उतारा और तूने मुझसे ही अपना मुंह फेरा, कि अब तो ये मैखाना हुआ जहाँ मेरा। अच्छा एक गुजारिश है, एक छोटा सा शेर पढ़ना चाहूँगा जो मेरी ही नज़्म का है, पर नज़्म नहीं पढ़ूँगा टाइम कम है, तो ज़िंदगी के ऊपर है और ज़ख्मों के ऊपर है, कि जलती चितासी ज़िंदगी में अब ये ज़ख्म भी धुएँ से उड़ने लगे हैं, कि जलती चितासी ज़िंदगी में अब ये ज़ख्म भी धुएं से उड़ने लगे हैं, बेजुबा है या मानो थक गए हैं, बेजुबा है या मानो थक गए हैं खुद से खुद को सहने लगे हैं, कि जलती चितासी ज़िंदगी में अब ये ज़ख्म भी धुएं से उड़ने लगे हैं।